आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ अननोन इंडक्टेंस यूजिंग मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ग्रुप में मैंने मैसेज भी किया था। तो इस ब्रिज की मदद से हम लोग अननोन इंडक्टेंस के वैल्यू को निकालते हैं। आपके स्क्रीन में जो अभी दिख रहा है वीडियो, ये मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का वर्किंग फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें बहुत सारा आपको जो है नॉचेस दिख रहा है, जिसको पैच कॉर्ड से हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सारा जो आपको नॉच दिख रहा है, ये सारा पैच कॉर्ड से कनेक्ट होगा। तो इसमें जब आप लैब मैनुअल अपना देखिएगा पेज नंबर 32 में, तो आपको कंप्लीट प्रोसीजर दिया हुआ है कि किस तरह से कनेक्शन करना है। जैसे पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, इसमें लिखा है कनेक्ट द X8 टू X9। अब आप यहाँ देखिए X8 है, यहाँ पर X9 नॉच है, तो ये दोनों को जो है हम लोग पैच कॉर्ड से इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। जैसे बोला जा रहा है प्रोसीजर, उस तरह से हम लोगों को करना, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट आपको क्या बताया जा रहा है, कनेक्ट द आउटपुट ऑफ साइन वेव आउटपुट B1 एंड B2 अक्रॉस B3 एंड B4। मतलब B1 को हमको अक्रॉस B3 कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे B3 आपका ये, तो B1 को हमको B3 से कनेक्ट करना है, B2 को हमको B4 से कनेक्ट करना है। तो जिस तरह से आपको यहाँ पर प्रोसीजर बताया गया है पॉइंट वाइज, ठीक इसी तरह से हमको कनेक्शन करना है अपने ब्रिज सर्किट में, जो मेरा रेडीमेड किट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे आपको कुछ R4 रेजिस्टेंस दिया हुआ, मल्टीप्लायर में दिया हुआ। यहाँ 100 के प्रोडक्ट पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आपको 1000 के मल्टीप्लिकेशन पे ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों वैल्यू को, R4 का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह से R3 में भी डबल सिस्टम है, एक 100 के मल्टीप्लायर पर है, एक 1000 के मल्टीप्लायर पर है। दोनों का सेटिंग करके दोनों को ऐड करेंगे तो R3 मिलेगा, ठीक है। तो इस ब्रिज में हम लोग स्टैंडर्ड कैपेसिटर जो है मेरा यहाँ पे लगा हुआ L1, जिसका वैल्यू है 10 mH, ठीक है। स्टैंडर्ड इंडक्टर से हम लोग कंपेयर करके अननोन इंडक्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट कर, यहाँ अननोन इंडक्टेंस का डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिया हुआ, 4 ऑप्शन। पहले ये दोनों का वैल्यू निकालेंगे, जिस तो यहाँ पर पैच कॉर्ड लगाकर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, अननोन वैल्यूज़ का डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इंडक्टेंस यहाँ दिया हुआ है, इससे कंपेयर करके इसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हमको मेनली सर्किट का बैलेंस कंडीशन लाना, नल कंडीशन, वो यहाँ पर दिखेगा। अगर यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाता है, 0 कैसे आएगा, R3 और R4 को वेरी करके डिफरेंट सेटिंग्स पर आपको डालना पड़ेगा। अगर वैल्यू 0 आ जाता है तो परफेक्टली बैलेंस्ड है। मान लेते हैं अगर 0 नहीं आता है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आपको यहाँ पे लाना है, जितना मिनिमम पॉसिबल हो सकता है, R3 और R4 को वेरी करके वो वैल्यू आपको यहाँ पे लाना है, वो होगा सर्किट बैलेंस कंडीशन या नल कंडीशन। उस कंडीशन पे जो R3 और R4 का वैल्यू होगा, उसको नोट डाउन करना है। और ये जो फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, वेयर L इज इक्वल टू L1 मल्टीप्लाइड बाई R3 डिवाइडेड बाई R4, इस फॉर्मूला में डालकर, L1 है आपका स्टैंडर्ड 10 mH, R3 R4 आप निकालेंगे बैलेंस कंडीशन पे, इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और L जो है मेरा अननोन इंडक्टेंस, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से हम लोग 2-3 रीडिंग लेकर काम कर देंगे, ठीक है ना। अब आपको सर दिखाएंगे कि एक्चुअली कैसे हम लोग इसमें पैच कॉर्ड से कनेक्शन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। देखिए इसका रिकॉर्डिंग भी आपको बाद में भेज दिया जाएगा। सबसे पहले अभी ब्रिज जो हम लोग का है, ब्रिज में जहाँ जहाँ ओपन है, जैसे X5 और X6 का बीच में ओपन है सर्किट, तो इसको X5 और X6 को शॉर्ट कर रहे हैं। फिर X8 और X9 में भी ओपन है, इसको भी शॉर्ट करके सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। फिर हम लोग B1 से B3 को ले रहे हैं, जहाँ की साइन वेव आएगा एम्पलीट्यूड, B1 से B3 और B2 से B4। B2 से देखिए B4 के साथ स्टेप बाय स्टेप बताइए इसमें, जैसे इसमें दिया हुआ है ना, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 करके उसी को रेफर करेगा ना,
ठीक है, पहला नंबर से दिखाइए, फिर से दिखाइए, फिर से दिखाइए, हटा दीजिए इसको, फिर से एक बार आपको दिखाते हैं रिपीट करके। आप अपना लैब मैनुअल में देखिए स्टेप नंबर वन क्या दिया है प्रोसीजर में, पेज नंबर 32 पे। X8 to X9 को कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट हो गया ये। नेक्स्ट फिर X5 to X6 को कनेक्ट करना है, X5 to X6 को कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर है कनेक्ट द आउटपुट ऑफ साइन वेव, आउटपुट B1 एंड B2 अक्रॉस B3 एंड B4। तो B1 को कनेक्ट करना है हमको B3 से और B2 को कनेक्ट करना है B4 से। B1 को कनेक्ट किया B3 से और B2 को कनेक्ट कर रहे हैं B4 से, ठीक है। एंड सेट एम्पलीट्यूड नॉब टूवर्ड्स फुल्ली क्लॉकवाइज, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फुल्ली क्लॉकवाइज कर रहे हैं। देखिए ये ऑलरेडी है, देखिए क्लॉकवाइज, ठीक है। थर्ड पॉइंट में देखिए, कनेक्ट द अननोन इंडक्टेंस अक्रॉस X2 एंड X3 सॉकेट मार्क L। देखिए यहाँ X2 एंड X3, यहाँ जो है X2 और X3 है, इसी इंडक्टेंस का हमको वैल्यू निकालना है ब्रिज में। तो X2 एंड X3 को हम लोग क्या करेंगे, अननोन जो हम लोग का इंडक्टेंस है यहाँ पास कनेक्ट करने जा रहे हैं। देखिए ये अननोन इंडक्टेंस को हम लोग कनेक्ट कर दिए। इसी तरह अभी हम लोग 3-4 अननोन इंडक्टेंस का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए पहले अभी हम लोग सबसे पहले L2 जहाँ लिखा है अननोन इंडक्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ कनेक्ट किए, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर में पॉइंट में, कनेक्ट डिजिटल नाल डिटेक्टर और CRO अक्रॉस द डिटेक्टर सॉकेट, दैट इज B7 to B5 एंड B8 to B6। तो यहाँ हम लोग का B7 है और यहाँ नाल डिटेक्टर में यहाँ पास B5 है, यहाँ B8 है और यहाँ B6 है, इसको हम लोग कनेक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ CRO नहीं है तो हम लोग ये नल डिटेक्टर से काम करेंगे। B7 को कनेक्ट किए B5 से और B6 कनेक्ट हुआ B8 से। ये अभी हम लोग का सर्किट का कनेक्शन कंप्लीट हुआ, सर्किट का कनेक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब जितना हम लोग का रेजिस्टेंस का वैल्यू सबको पहले 0 पे कर देते हैं, सब अभी देखिए 0-0 पे है। या ब्लैक रंग का आपको नोब दिख रहा होगा, सब 0-0 पे, देखिए ब्लैक कलर का नोब है यहाँ देखिए, ये ब्लैक कलर का नोब है यहाँ पास, फिर यहाँ पास ये ब्लैक कलर का नोब है, ठीक है। यहाँ पास ये नोब, यहाँ ये नोब, यहाँ ये भी नोब ब्लैक कलर का जो 0। सबसे पहले देखेंगे R3 में जो है मल्टीप्लाइंग है 100 का फर्स्ट वाला और सेकंड वाला 1000 का मल्टीप्लाई है। अगर एक को इसको अगर ऐसे हम एक बार बढ़ा दिए, इसका मीन्स हो गया ये 1000 ओम ऐड हो गया सर्किट में। अगर इसको भी ऐड कर दिए तो इसका मतलब हो गया 1100 सर्किट में ऐड हो गया। इसी तरह जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग का बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पास अगर एक स्टेप इसको बढ़ाते हैं R4 का सेम, तो ये अगर एक स्टेप बढ़ाएं तो ये हो गया 1000 और नेक्स्ट इसका भी बढ़ाएंगे तो 100 बढ़ा। इसी तरह इसी रिस्पेक्ट में बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू ऐड होगा। अभी जैसे कितना पे सेट है 1000 और यहाँ 100, इसका मतलब हुआ 1100 वैल्यू किसका हुआ, R4, ठीक है। सबको अभी 0 पे सेट कर रहे हैं। अब हम लोग एक फॉर्मूला जो आपके बुक में दिया हुआ है, L जो है इंडक्टेंस का जो वैल्यू निकालना है इक्वल टू L1 इंटू R3 बाई R4, ये हम लोग कॉपी में नोट करके रखे हैं कैलकुलेशन करने के लिए, L1 इंटू R3 बाई R4। तो L1 का वैल्यू हम लोग को कहाँ से मिलेगा, जो यहाँ हम लोग का L1 का वैल्यू हम लोग को कितना है,
10 मिली हेनरी L1 का वैल्यू जो कि फिक्स है। R3 का वैल्यू हम लोग को कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा। जितना हम लोग ये नॉक को जितना पे ले जाएंगे रेजिस्टेंस, जितना में नाल डिटेक्टर जीरो पे आएगा वो वैल्यू लेंगे। इसी तरह R4 का वैल्यू हम लोग यहाँ से लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप बढ़ते हैं, नाल डिटेक्टर को जीरो पे लाने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस को फिर सेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग देखिए एम्पलीट्यूड को तो मैक्सिमम पे रखे हैं साइन वेव, और जितना रेजिस्टेंस है सबको अभी हम लोग जीरो जीरो पे रखे हैं। अभी देखिए पावर ऑन कर, पावर ऑन, नाल डिटेक्टर में कुछ वैल्यू आ रहा है 0.277 करके आ रहा है पॉइंट। देखिए अभी कोई बार थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे कि कितना पे रोक। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, R3 का वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, R3 को बढ़ाते हैं, तो वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, फिर अभी हम लोग एक बार R4 को देखते हैं बढ़ा के क्या होता है, वैल्यू घटा। वैल्यू तो हमको कुछ तो देना ही होगा, जीरो तो हम लोग रख नहीं सकते, तो कुछ तो वैल्यू देना ही होगा। तो वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि घटा भी R4 का, फिर इसमें थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको। प्राइमरी साइड में देखोगे ये ज़्यादा, तो अभी हम लोग का नाल डिटेक्टर में अप्रॉक्स जीरो के आसपास पहुंच चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी हम लोग रेजिस्टेंस को और वैल्यू बढ़ा के देखते हैं कि क्या होता है। देखिए जब रेजिस्टेंस का वैल्यू को अभी हम लोग 1000 वाले को बढ़ाए थे 3000 पे ले गए तो नाल डिटेक्टर में जीरो से बढ़ गया था वैल्यू। अभी यहाँ पास जो है जब हम लोग यहाँ अभी इसको 2000 पे रखे हैं तो वैल्यू हम लोग अप्रॉक्स जीरो के आसपास आ रहा। अगर हम थोड़ा भी अब चेंज करते हैं कहीं भी वैल्यू तो बढ़ जाता है। जैसे मान लिया यहाँ बढ़ा के देखते हैं R3 में, देखिए वैल्यू बढ़ रहा है। तो नाल डिटेक्टर को मेरे को जीरो पे लाना है, तो अभी हम लोग इसको कोशिश करते हैं फिर और अपने अपने पोजीशन पे लाने का। ये मिनिमम पॉसिबल हम रहा है, ठीक है। अब ये रीडिंग सब हम लोग नोट करेंगे। R3 का देखिए, R3 का वैल्यू देखिए हम लोग के पास कितना आया, ये तो जीरो है, ये जीरो, यहाँ पास ये टू है, कितना है, 100 है। R3 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, R3 इक्वल टू 100 ओम। ठीक है, R4 देखते कितना है, इधर 2000 है, 1000 वाले में इधर जीरो है, ये हो गया 2000 ओम। R4 हो गया 2000 ओम। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, अब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ L1 का जो वैल्यू है वो फिक्स है, जिसका वैल्यू है जीरो, 10 मिली हेनरी है, इंटू R3 करना मीन्स कि 100 बाई 2000। ठीक है, 1/2 मतलब 0.5 मिली हेनरी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.5 मिली हेनरी आंसर आएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अननोन इंडक्टेंस जो हम लोग लगाए थे, अननोन इंडक्टेंस, इसका वैल्यू कितना आया, 0.5 मिली हेनरी। इसी तरह का प्रैक्टिस फिर एक बार और हम लोग करके देखते हैं, सेम प्रैक्टिस को फिर से करेंगे। ठीक है, सिर्फ हमको जो अननोन इंडक्टेंस है उसका वैल्यू को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग पावर ऑफ कर देते हैं। ठीक है, पावर ऑफ करके अननोन अब दूसरा पॉइंट पे ले रहे हैं, अननोन इंडक्टेंस को दूसरा पॉइंट पे ले रहे हैं, सबको जीरो कर दिए रेजिस्टेंस वगैरह सबको, और R3 और R4 का वैल्यू जीरो पर है, R3 और R4 का वैल्यू ये अननोन का सेकेंड ऑप्शन पे हम लोग चल रहे हैं।
ऐसा चार ऑप्शन अवेलेबल है, तो पहले पर हम लोग देख लिए, दूसरे पर अभी दिखा देते हैं फिर से आपको। तो बस करना कुछ नहीं, यहाँ से पैच कॉर्ड निकाल के सेकंड ऑप्शन पे ले आऊँ, ठीक है। चलिए फिर हम लोग सर्किट को ऑन करते हैं। फिर सर्किट ऑन करते हैं, अगर अभी देखना है कि नल डिटेक्टर में वैल्यू बढ़ रहा है, इसको फिर हमको मिनिमम पे लाना है, जीरो पे लाना है, इसी चीज़ को हमको फिर जीरो पे लाना है, मिनिमम वैल्यू पे लाना है, ठीक है। अगर इसको हम बढ़ा के देखते हैं तो क्या होता है, 1000 वाले को बहुत बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इसको हमको फिर जीरो पोजिशन पर लाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें R3 में फिलहाल अभी जीरो, फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं 100 वाले को, फिर वैल्यू हम लोग का बढ़ गया, बट हमको मिनिमम तो एक वैल्यू देना ही पड़ेगा, 100 दिए हैं, ठीक है। उसके बाद R4 पे आते हैं, R4 में 1000 को बढ़ाते हैं, वैल्यू तो घट रहा। एक काम करते हैं, पहले स्टेप बाय करते हैं, 100 से बढ़ते हैं, वैल्यू घट रहा, 200 पे और वैल्यू घट गया, 0.095 है थोड़ा सा वैल्यू, अगर हम लोग बढ़ाते हैं घटी जाती है, फिर उतना ही पर है तो इसलिए और कम करेंगे इसको, 500 थोड़ा सा बढ़ा, इसका मतलब ये कितना पे है, 500 पर है। ये देखो, ये 1000 वाला तो जीरो है, 100 वाला मेरा है 5 पर, मतलब इधर हो गया R4 का वैल्यू 500, तो R3 में देखिए 1000 वाला जीरो पर है और ये वाला 100 वाला कितने पे, 1 पे, ये हो गया 100, तो R3 हो गया 100, R4 हो गया 500, तो फिर इसी तरह से L3 जो इंडक्टेंस है उसका जो हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं तो सेम प्रोसेस होगा, या 10 मिली हेनरी जो फिक्स है और R3 का वैल्यू 100 ओम है, ठीक है, और R4 का वैल्यू जो हम लोग का 500 है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 0.2 हो गया, L3 का वैल्यू 0.2 मिली हेनरी आंसर आ जाएगा। बस आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग फिर L4 और L5 का सेम प्रोसीजर से रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। लैब के से कनेक्टेड, इस लैब से कनेक्टेड किसी को कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में।